सिकंदराबाद बिरयानी खाने, और इसका हमने नाम दिया है संडे राइड, आर राइड फॉर बिरयानी, फॉर बिरयानी लवर्स। तो भाई देखिए रेडी हो गए, निकलते हैं हम लोग बिरयानी खाने। ये जो सगाई जुल्फे होती है ना, इनके लिए ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चल आ गया हमारा करंट प्लेस, और काफ़ी काफ़ी धुंध हो रही है। कितना टाइम हो गया, लगभग हमें एक घंटा हो गया निकलते हुए वहाँ से अपने घर से। और देखिए आप लोग खुद, तो यहाँ पे हमारा बुलंदशहर शुरू हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये छोटा सा ठिया था चाय वाय का, तो रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे रुक गए हम लोग। कहाँ से आप लोग? जी मैं बिजनौर से। बिजनौर से हैं भाई आप सब? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग वैसे भी? बिजनौर से जा रहा हूँ और सफ़र करना चाह रहा हूँ दुबई का, दुबई जा रहा हूँ। कोई राइडर, कोई ऐसा कुछ कम्युनिटी, कुछ राइडर आप? भैया को यहाँ कोई नहीं आता, हाईवे आपका काफ़ी अच्छा है लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। आप पहली बार आए हो? एक्चुअली डॉक्टर रोड डी ओ डी आई ई डी आई आई ई। सूरज निकल गया ऑलरेडी और थोड़ा उम्मीद से ज़्यादा रुक गए हम लोग यहाँ पे। चलिए चलते हैं। One hour later. तो आ गया है सिकंदराबाद हमारा। आज मोहम्मद साहब बिरयानी वाले कहाँ पर हैं? यहाँ पे काफ़ी बिरयानी वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग। हमें तो आस मोहम्मद साहब के पास ही जाना है। हम आ गए, काफ़ी टाइम लगा ढूंढने के लिए, तो आस मोहम्मद बिरयानी वाले। चलो भाई हमें गाइड कर रहे हैं ये खड़े हुए भाई। चलो अंदर चलो। तो आई थिंक कितना अंदर है? चलो अंदर चलते हैं। तो ये गली में है, मेन रोड पे नहीं है। तो ये रहा जो मेन रोड है हमारा, मस्जिद के बिल्कुल सामने नहीं, मतलब मस्जिद दिख जाएगी आपको, उसके सामने ये कट है, फोटो लगा हुआ है। और ये रहा हमारे आस मोहम्मद साहब का, अंदर चलते हैं अभी हम। वो हमारी बिरयानी आ गई यहाँ पे। एक्चुअली बिरयानी नहीं है ये, हमारा पुलाव है सिकंदराबाद का। तो दिस हमारा आस मोहम्मद साहब का बिरयानी का, वो एक्चुअली है तो ये पुलाव। पुलाव में क्या क्या देते हैं? तो मैंने चिकन की ऑर्डर करी थी, तो ये हमारे चिकन का पीस है। बाकी यहाँ पे है ना कुछ एक नई चीज़, फ्राइड ऑनियन है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ मिर्चें दी हैं, तो कुछ अचार टाइप की मिर्चें हैं। बाकी सिकंदराबाद कोई मेट्रो सिटी तो नहीं है, अगर उसके हिसाब से ठीक है। बाकी ये बताओ कि कब तक खत्म हो जाता है बिरयानी हमारा? सुबह से 7 बजे से लेके, सुबह से 7 बजे से लेके और शाम के 6:30 बजे तक होता था, एंड हो जाता। तो अभी हम लोग आस मोहम्मद साहब के पास गए थे और उनसे पूछा कि वो तैयार हैं इंटरव्यू देने के लिए, थोड़ा बहुत बता देंगे इसके बारे में। सादगी पसंद लोग होते हैं ना कुछ, तो उसी तरह के हैं वो। 20 minutes later. आपका नाम जी? आस मोहम्मद कुरैशी। तो ये जो आपकी शॉप है ये कितने टाइम से है? लगभग हो गए 25-26 साल। 25-26 साल। तो जैसे कि हम लोग पुरानी दिल्ली से आए हैं, वो वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी जगह की बिरयानी खाई है जी। स्पेशल क्या है इसमें आपका भाई? स्पेशल क्या, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो सब मीट जो होता है इसका, सब ताज़ा होता है। चिकन हो या बड़ा हो, वो सब ताज़ा आता है, बिल्कुल फ्रेश। नमाज के बाद? जी जी, नमाज के बाद में हमारा 5:30-6:30 पे आता है। नमाज पढ़ के हम अपना धोना चढ़ाते हैं जी, फिर अपना स्टार्ट करते थे हम सुबह। स्टार्ट अंकल कितने बजे होता है? 7-7 बजे करते थे सुबह। 7 बजे? 7:15, 10-20 मिनट आगे पीछे थोड़ा सा। तो और एंड कितने बजे होता है शाम? एंड अपना 4-5 के बीच में खत्म। टाइमिंग तो 6 बजे तक की है फाइनल, 6-7 की, लेकिन 1 घंटे पहले है कभी बाद में। मैं ये चाहता हूँ जब तक मेरी लाइफ है, अरे मैं अपनी क्वालिटी बढ़ा दूँगा, लेकिन अपने क्वालिटी कभी गिराऊंगा नहीं, अपने रेट बढ़ा सकते हैं भाई। रेट की बात तो ये है, मैं इतनी बड़ी सिटी नहीं है, यहाँ थोड़े नॉर्मल से लोग हैं, उसी हिसाब से हमें चलना पड़ता है। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? मुझे 26-27 साल हो गए लगभग। 26-27 साल। ओ, तो कुछ तो बात थी जो हम लोग पुरानी दिल्ली से गलियों को छोड़ के, स्ट्रीट फूड को छोड़ के यहाँ आए जी। तो ये चीज़ पूरी भरपूर है, शुक्रिया इसके लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। आज मोहम्मद साहब से हमारा इंटरव्यू हो गया, अब जाते जाते हमने कहा नदीम भाई बहुत अच्छी शख्सियत हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत बात कर लें। सबसे ज़्यादा बड़े की हाथी बिरयानी चिकन की, तो इक्का दुक्का हटा हो जाता है चिकन की। और रेट सेम है दोनों की? नहीं, ये अलग अलग है। 200 रुपये केजी है चिकन की, और अब भैंस की 40 रुपये केजी। भैंस की बिरयानी सस्ती है? 140 सस्ती है, मुर्गी की महंगी है। मुर्गी की महंगी जी। Thank you.
निकल गए हम लोग आस मोहम्मद साहब के पास से। काफ़ी घंटे हमें लगे, 2 घंटे लगे हमें कम से कम यहाँ पे। दोस्तों ये दिन तो मेरा बहुत अच्छा बीता। असल में आपको बात बताऊँ तो ये आस मोहम्मद का तो एक बहाना था, असल मज़ा तो दोस्तों हम सब जानते हैं सफ़र का होता है। तो जुड़े रहें मेरे साथ, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।